पुलिस अधीक्षक हिसार श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस के दिशा निर्देश अनुसार काम करते कार्य करते हुए हमारी सीआईए हिसार की टीम एसआई संदीप कुमार ने 10,000 के इनामी बदमाश बावरिया गैंग के सदस्य लूट डकैती और मर्डर चोरी घटनाओं में वांछित अपराधी बादल वासी जाबा अटेरना बल्लभगढ़ फरीदाबाद को गिरफ्तार किया है। जैसे आपको पहले से ज्ञात होगा कि जनवरी 2022 में रात के समय गांव दौलतपुर में राजाराम के घर पर बावरिया ग्रह द्वारा हमला करके 75,000 रुपये की लूट की थी और लूट के दौरान परिवार के जागने पर इन बावरिया गैंग के सदस्यों द्वारा राजाराम व उसकी पत्नी राजबाला को काफ़ी चोटें मारी गई थी और उन पर फायर किए थे, जो शोर शराबा सुनकर गांव के आदमी जाग गए थे और इसके सदस्य में से एक सदस्य को मौके पर ही काबू कर लिया गया था और बाकी सदस्य भाग गए थे, जिनमें से बादल भी उसी दिन मौका से भागने में कामयाब हो गया था और जो मोटरसाइकिल द्वारा एटा उत्तर प्रदेश चलाया गया था और वहां पर अपने बार बार ठिकाने बताता रहा, अपना मोबाइल और सिम भी इसने तोड़कर फेंक दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना उकलाना में FIR नंबर 6 डेटेड 5/1/2022 अंडर सेक्शन 323, 307, 458, 459, 285, 506, 181, 188, 395, 397, 459 IBC व आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी, जो इस गिरोह के पहले 5 सदस्य हैं दिनेश विशाल नरेश और विनोद और संजय को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जिनमें से काफ़ी समय से आरोपी बादल फरार चल रहा था और जिस पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसको कल SI संदीप की टीम ने बसड्डा हिसार के पास से जब वह अपने रिश्तेदार रैनखेड़ी गांव में जा रहा था रिश्तेदार के पास, तो इसको गुप्त सूचना के आधार पर काबू किया था। ये उस वक्त यहाँ से मोटरसाइकिल सवार होकर एटा उत्तर प्रदेश चला गया था और अपने लगातार ठिकाने बदलता रहता था और उसके बाद से ये गुड़गांव में जो चौकीदारी का काम करता रहता था और बार बार अपने ठिकाने बदलता रहता था और हमारी CIA की टीम इसके पीछे तलाश करते हुए काफ़ी समय से लगी हुई थी और जिसमें कल हमारी टीम को इसको काबू करने में सफलता प्राप्त हुई। इन आरोपियों का कोई पिछला रिकॉर्ड भी मिला है? हाँ, इन आरोपियों पर पहले से काफ़ी केस दर्ज हैं। इन्होंने कालावाड़ी में 460 का केस किया था, वहाँ पर लूट डकैती करते वक्त एक आदमी की हत्या कर दी थी। उसके बाद बहादुरगढ़ में भी इन्होंने चोरी लूट डकैती करते हुए एक आदमी की उसे घर पर ही हत्या कर दी थी। इसके अलावा इन्होंने भरो राजस्थान में भिवाणी में उकलाना में शाहजहाँपुर फतेहाबाद में भी चोरी व लूट की घटना को अंजाम दिया था। तो क्या लूट के जो माल है उसकी भी कोई रिकवरी की जा चुकी है? हाँ, इसके हिस्सा में जो लूट की राशि थी उसमें से 12,000 रुपये इसके हिस्सा में आए थे, जिसके लिए वो इसको अब कोर्ट अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड में लिया जाएगा और इससे अन्य वारदातों बारे व हथियारों बारे और पैसों के बारे में भी अंदाजे पूछताछ की जाएगी। भागने के बाद क्या कोई लूटपाट करी गई है? अभी इसको पुलिस रिमांड पर लेकर इसके पूछताछ की जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि इसने और अन्य कहां इनके अलावा वारदातें की हुई हैं।